अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने किचन में, और आप लोगों को आज मैं नई रेसिपी सिखाने जा रही हूँ जो कि खीर बनेगी, राइस पुडिंग। हम कोशिश करेंगे कि आपको कम टाइम में राइस पुडिंग बनानी सिखाएं। आज जो मैं राइस पुडिंग बनाऊंगी वो तकरीबन 100 बंदे के लिए काफी होगी, जिसके लिए मेरे पास जो इंग्रेडिएंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप अगर कम बनाएंगे तो आप खुद ही उसको कम करके डिवाइड करके तो बना लेंगे। मेरे पास जो हैं वो चावल हैं, जो मेरे पास 500 ग्राम चावल हैं, जो मैंने तकरीबन 2 घंटा पहले भिगो दिए थे धोने के बाद, और इसके बाद मैंने इसमें 1 लीटर पानी डाला था, जो इस पानी के अंदर ही हम पहले चावल पकाएंगे। मैं 2 बर्तन यूज कर रही हूँ, 2 पैन यूज कर रही हूँ बड़े, तो 2 जगह मैंने भिगोए हैं, ये 500 ग्राम ईच में हैं। और मेरे पास 2 किलो शुगर है ये 2 बॉल में, और मेरे पास ये 6 पॉइंट वाली बॉटल दूध की है, जो 3 है मेरे पास, यानी कि मेरे पास 18 पॉइंट दूध है। और ये मेरे पास 600 मिलीलीटर डबल क्रीम है, 3 डब्बे हैं मेरे पास, और ये भी मेरे पास 1800 मिलीलीटर ये मेरे पास क्रीम है, डबल क्रीम। और ये मेरे पास बादाम है जो मैंने इसे छील के दो के तो काट लिए हैं, और मेरे पास ये ग्रीन सुल्ताना है जो कि सौगी, वो भी मैंने ये 2 जगह तैयार करके रखी है, और थोड़ी सी इलायची है जिसके मैं दाने निकाल के तो उसके अंदर डालूंगी। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि ये जो चावल हैं इसको इसी पानी के साथ पकने के लिए पैन में डाल देंगे। अब हमने ये गैस ऑन कर दिया है, और ये जो चावल हैं पानी में भीगे हुए हम पैन के अंदर डालेंगे। और अब इस पानी के अंदर हम इसको पकने देंगे, जब ये गल जाएंगे तो फिर हम इनको मश करेंगे, तो मश करने के बाद फिर हम दूध डालेंगे। हाँ जी, आज ये मेरी असिस्टेंट है मेरे साथ खाना बनाने के लिए, जो कि मेरी हेल्प करेगी, तो इसलिए मुझे इसके साथ काम करती हुई आज बहुत खुशी हो रही है। आप भी सब इसके लिए दुआ करना, अल्लाह ताला सबके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। हमने ना ये चावल रखे थे पानी डाल के उबलने के लिए, जो हमारे पास 1/2 किलो चावल थे, और इसमें 1 लीटर पानी में भिगोए थे, प्लस इसमें 1 लीटर और पानी डाल के तो मैंने इनको उबलने के लिए रखा था। अब ये चावल हमारे बिल्कुल गल गए हैं, अब हम इनको मश करेंगे। ये हैंड ब्लेंडर के साथ मश करूंगी ताकि वो थोड़ा जल्दी हो जाए, इसके बाद हम दूध डाल देंगे। अब ना ये हैंड ब्लेंडर के साथ मैंने ये चावल मश कर लिए अच्छे से, ये देखें, तो अब हम इसमें दूध डालेंगे क्योंकि चावल गल गए हैं और ये मश हो गए हैं। जब हम दूध डालेंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा यहाँ पे खड़े होने के लिए। अब मैं इसके अंदर दूध डालूंगी। ये जो मेरे पास 3 बोतलें दूध की थी, 6 पॉइंट है 1 बोतल में, तो मैं इसमें 9 पॉइंट 1 में डाल दूंगी और दूसरे में डालूंगी, यानी कि 1.5 बोतल मैं इसमें डालूंगी, ये बड़े वाली। हाँ जी, ये देखिए, अब मैंने दूध सारा इसमें डाल दिया, और दूध डालने के बाद इसको अच्छे से हमने देखना था कि कोई लंप ना हो इसके अंदर, इसलिए दूध डालने के बाद मैंने वो ब्लेंडर से जरा इसको फिर से मिक्स कर दिया, तो ये सारा एक साथ ऐसे हो गया, कोई लंप नहीं है इसके अंदर। तो अभी ये पकता रहेगा, जब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर क्रीम डालेंगे,
और शुगर डालेंगे और मेवे डालने के बाद फिर इसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन मैं इसको फिर क्रीम डालने से पहले आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, अब ये जो हमारे दूध में चावल पक रहे थे, एक दफा फिर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हमने चावल पानी में गलाए थे और उसके बाद हमने हैंड ब्लेंडर से उनको मश किया था, उसके बाद आपने उसमें दूध जब डालना है तो ठंडे ही दूध में अच्छे से उसको फिर ब्लेंड कर ले, ताकि जो जो चावल हैं और दूध है वो उसमें कोई गुठली ना बने, इस तरह हो जाए। अब ये पक रहे थे करीब 35 मिनट से, तो ये दूध और चावल यकजान हो गए। अब मैं इसके अंदर डबल क्रीम डालूंगी। ये जो मेरे पास थी 1800 ml क्रीम थी, तो उसमें मैं 900 ml इसके अंदर डालूंगी और दूसरी हाफ दूसरे पैन में डालूंगी। तो फिर इसके बाद जब ये थोड़ा थिक हो जाएगा तो फिर हम शुगर और मेवे डालेंगे। मेवे आप कोई भी डाल सकते हैं, मैं तो सिर्फ बादाम और किशमिश डालूंगी, क्योंकि थोड़ा एलर्जी का भी हो जाता है। ये इफ्तारी के लिए खीर है, तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि किसी भी नट से किसी को कोई एलर्जी हो तो किसी को तकलीफ हो, इसलिए मैं सिर्फ बादाम और किशमिश डालूंगी। आप कुछ भी डाल सकते हैं। शुगर इसके अंदर सारी डाल दी है, तो क्योंकि ये जो अभी इतना थिक हो गई तो मैंने शुगर इसके अंदर डाल दी है। अब हम ये जो मेवे थे ये भी इसके अंदर डाल देंगे, और जो इलायची के दाने थे वो भी जब मैंने क्रीम डाली थी तो वो भी इसके अंदर डाल दिए थे। इसके बाद हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे, बस ज़रा सी, ये जितनी भी आपको चाहिए, जिस तरह की कि थोड़ी थिक रखनी है या थोड़ी आपको ऐसे पतली पसंद है। मुझे तो इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसको 5 मिनट के बाद इसका गैस बंद कर दूँगी, फिर हम इसको ठंडी होने देंगे तो उसके बाद सर्व करेंगे। लेकिन जब तक आप खीर पकाते हो आपको कॉन्स्टेंटली इसको हिलाना पड़ता है, ताकि ये नीचे ना लगे, नीचे लग जाए तो फिर वो मज़ा नहीं आता खाने का। बाद में ठंडी हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ जी, अब ये देखिए खीर बन गई है सारी, तो बहुत अच्छी बनी है माशाल्लाह, बहुत टेस्टी है। अब सर्विंग के लिए मैं खा रही हूँ, तो इस तरह थोड़ी ठंडी हो जाए तो फिर इस पोर्शन को हम बंद कर देंगे, तो इफ्तारी के लिए फिर मस्जिद में चली जाएंगे सारे। तो इंशाल्लाह ताला आप भी अपने घर में बनाएं तो आपको बहुत पसंद आएगी। आपको खीर अच्छी लगे तो आप मुझे लाइक ज़रूर करें और दुआ में मुझे याद रखिएगा।